यही था रास्ता जो उस वक्त मैंने देखा था ना। चलो 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 चलो, अभी मैं क्रोबार गिराऊंगा तो फिर से आवाज होगा, मेरे को ये चीज लेनी नहीं। Eagle Junior High School with good girls and boys. अबे यार, इसको AI कंट्रोल कर रहा है क्या? हेलो मोर गैंग, आयुष मोरस बैक विद अनदर हॉरर गेम। यस, आज हम लोग खेलेंगे Evil Nun। इस गेम की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। ये कान में क्या बोल रही है मेरे? ये गेम बोला कि पीसी में जब आया ना तो बहुत ज्यादा ही हॉरर कर दिया है, ग्राफिक्स वाइज भी बहुत जबरदस्त है। चलो यार खेलेंगे हम लोग। तो चलो, यहाँ पर कट सीन है, हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, अपने घर से निकले हैं। ओके, ओनली 3 रास्ता है, लेफ्ट राइट। ये क्या है? ये तो बड़ा अजीब है। ठीक है, ये टैक्सी नहीं लग रही, अपनी गाड़ी कम, मेरे को तो लगा था अपनी प्राइवेट गाड़ी है। और आगे में एक नन्ही बैठी है क्या? तो यही है क्या वो ईविल? ना ना, ये तो हम लोग को प्यार से ले जा रही है, अच्छा गाना गा रही है। और आई थिंक हम लोग चर्च में ही जा रहे होंगे, क्योंकि ईविल नन है, नन तो चर्च में होती है। लेकिन रात को हम लोग क्यों जा रहे हैं चर्च में? लेट्स गो। यहाँ पर हम लोग उतर गए और यहाँ पर क्या लिखा है? EJHS समर कैम्प। ओके ठीक है। ये क्या है भाई? मैं तो छोड़ के एहसान किया है क्या? और ये गेट कीपर, इसके हाथ ब्लू है ना, आंखें भी ब्लू। ओके, खतरनाक। ग्रैनी डंडा मारती थी, ये हथौड़ा मारी है। और हमें पता ही है कि हमें एस्केप करना है यहाँ से। ओके, आई एम आयुष मोर, आई एम गोइंग टू बी गुड। यहाँ पर हुई एस्केप द स्कूल। हम लोग स्कूल में है। बिफोर सिस्टर मैडरीन द इविल नन कैचेस यू। यहाँ पर आवाज आ रही है यहाँ से। वो तेरी, वो ये रे, ये हम लोग को पकड़ेगी क्या? ये प्रार्थना कर रही है भाई, काला जादू कर रही है ये। शिट, मेरे को यहाँ से निकलना। और ये तो वो जो अंकल के हाथ थे ना ब्लू, ये वैसे हैं। ये क्या लिखा है? यू माइट फील सेफ आउटसाइड बट सिस्टर मैडलिन विल सी यू फ्रॉम फार अवे। अच्छा, वो हम लोग को दूर से ही देख लेगी। कम बैक। अबे वो तो इतनी जल्दी देख ली मेरे को। कहाँ गई? शॉर्टकट मार के आई। ओ भाई, ग्राफिक्स तो बड़ा ही सॉलिड है यार, एकदम रियल लग रहा है मेरे को। उस शिट, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया हूँ। उतरी, निकल गए। ये गेट खुलेगा ना? लेट्स गो। फिर फंस गया मैं तो। अबे मैं क्या कर रहा हूँ यार? ओए, पहले ही नहीं मरना मेरे को। मजा आ गया। ओए, इसके अंदर छुप सकते हैं। ये देख लेगी क्या? वो रेड लाइट आता है। ये इसकी आंखें रेड लाइट है ना, वो शाइन करती है। ये देखो। ओ, नहीं देखी। ओ, मजा आ गया भाई, इस गेम में थ्रिल है यार। चलो अभी बाहर निकलते हैं। अरे, देख लिया इस बार, तोड़ दिया। Stay in your room and write a million times that you will be good. भाई। ओह, इसके सामने हम लोग नहीं छुप सकते। मेरे को लगा था सामने छुपो तो भी नहीं देखेगी। इसने मेरे को बोला है कि मिलियन बार अपने बोर्ड पे लिखो कि मैं गुड रहूंगा। तो भाई तू पागल है यार। यहाँ पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया, सीढ़ी है। ये अभी तक गेट खोला नहीं है क्या? मैंने सुना था इस गेम का नया अपडेट आ गया तो उसमें खोल देना चाहिए था। यहाँ पर भी ब्लू निशान आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? डोंट बी अफ्रेड। अच्छा छोड़ो। अच्छा, टैब दबाते हैं तो क्वेस्ट लिखा हुआ आता है। हमें एक ब्रिज क्रॉस करना है, उसके बाद में हमें ऊपर देखना, और हमें बॉक्स ऑफ कुकीज का भी कुछ काम है। ओके, मैं समझ गया हूँ, मैं बाद में पढ़ लूंगा अच्छे से। अभी यहाँ पर ये पूजा कर रही है। हो गया, इसका पूजा हो गया भाई। निकलो रे। तो अभी मेरे को यहाँ से एस्केप करना है, तो एस्केप का रास्ता कौन सा होगा? यहाँ पर कोई मेन दरवाजा ढूंढना है मेरे को, जहाँ से मुझे निकलना है, जैसे ग्रैनी के घर में था। तो यहाँ पर मैं इधर आ तो गया हूँ। ये क्या पड़ा है? इसका करना क्या? किताब भाई। ये क्या बाइबल है क्या? करना क्या है मेरे को? यहाँ से निकले। ओके, वो आवाज से तो आएगी ना शायद। यहाँ पर फेंक देता। कहाँ है वो? किधर से आएगी? पता नहीं। हम लोग यहाँ से, आवाज़ यहाँ से आ रही है उसकी। भगवान जाने। यहाँ पर तो भाई वेंट्स है। ओके, ओए यहाँ पर है क्या वो? बाथरूम और ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। मुझे डर लग रहा है यार, वो आसपास है। ओह मेरे पीछे है, मेरे पीछे है। ये रही, ये रही। ओह शिट, अरे यार खून पड़ा है तो मैंने देखा ही नहीं। अरे यार वो लाशों का चढ़ावा चढ़ाती है यहाँ पे। ओहो मैं इसके रूम में आ गया हूँ यार। यहाँ पर मेरे को एस्केप रूट ढूंढना है। और यहाँ पे छुप सकता हूँ मैं। मारेगी क्या ये? नहीं नहीं इसमें नहीं मारी। ओके ओके, तो भाई मैं अपने रूम में ही तो था, तो मैं अगर रूम में आ गया तो मेरे को क्यों मारेगी ये? मेरे को तब भी क्यों छुपना पड़ रहा है? ये तो बड़ा अजीब है। चलो भाई ठीक है, जो भी है अभी मैं निकलता हूँ बाहर। इसको कर दो बंद। ओके अभी यहाँ से मैं ऊपर का कुछ कर नहीं पाया। ठीक है तो यहाँ पर भी एक वेंट है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सेफ लग रहा है थोड़ा। मेरे को दरवाजा ढूंढना है जहाँ से मैं निकल सकूँ। Is that you? Oh shit! अबे नीचे धरना है, ये ग्रैनी नहीं आ सकती। उतरी इतने नीचे से आती है भाई और शॉर्टकट में मारती है। ये तो बड़ी खतरनाक हो रहा था यार। अभी कहाँ से आएगी? शॉर्टकट मारती है तो कहाँ से आएगी? ओह भाई निकल 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 भाई, मेन दरवाजा ढूंढो यार। मेरे को निकलने के लिए करना क्या है ये भी मेरे को देखना है अभी तो। यहाँ से यहाँ पर ये क्या है? फ्यूज। ओके लगता है कहीं पे फ्यूज लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी का काम यहाँ पे भी है क्या? पॉपी प्ले टाइम की तरह। और पता बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे पॉपी प्ले टाइम का चैप्टर 3 नहीं आया क्या? भाई अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आई थिंक दिसंबर में रिलीज होगा। और ये क्या? अरे बाहर का दरवाजा। ओ लेट्स गो, ऐसे ही निकल गया मैं तो। वाओ। और वहाँ पर जगह जाने का। चलो आई थिंक पॉपी प्ले टाइम जैसा कि मैं बोल रहा था 21 दिसंबर या 22 को होगा, नहीं तो फिर जनवरी में ही रिलीज होगा। आते ही मैं खेलूंगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पर तो ये रहा रास्ता, लेट्स गो। और ये बंद है। ओह यार बाहर जाने का रास्ता होते हुए भी बंद है बे। अभी यहाँ पर उस औरत की आवाज़ आ रही है। नन यहाँ पे है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ से चलते हैं, देखते हुए चलते हैं खिड़की में। और यहाँ पर रास्ता है तो ये है क्या रास्ता आगे जाने का? ओके तो यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। ऊपर चढ़ मैं जंप नहीं कर सकता इस गेम में। और यहाँ पर रास्ता बंद है। ये रहा दो, ये भी बंद है। एक चाबी चाहिए। ओके तो मेरे को चाबी भी ढूंढनी पड़ेगी लगता है, लेकिन अभी के लिए मेरे को वापस से अंदर जाना पड़ेगा लगता है। और इस फ्यूज को कहीं लगाना है, इतना तो समझ में आ गया मेरे को। तो अभी और आवाज कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखो फर्स्ट फ्लोर भी है, ऊपर जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अच्छा और ये रहा उसका पूजा पाठ करने का रूम। ओ भाई 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 भाई। ओके तो यहाँ पर ये एक और फ्यूज पड़ा टेबल पे। तो मैं एक बार में एक ही सामान ले सकता हूँ। यहाँ पर एक और दरवाजा है किचन का, ठीक है। और यहाँ पर भी वेंट्स खुल सकते हैं। अभी तो चलो वेंट से नहीं जाऊंगा मैं। वेंट्स और दरवाजे कनेक्ट हो रहे हैं, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। वो बस छुपने का रास्ता है। यहाँ पर मेरे को दरवाजा ढूंढना है। वो देखो वहाँ पर ब्लू बना हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ काम है। लेट्स गो। और यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे फ्यूज लगेगा। लेट्स गो, इसको लगा देते हैं। तो मेरे को 2 और चाहिए, फिर मैं इस लीवर को फ्लिक करूंगा तब ये काम करेगा। ठीक है तो एक तो मेरे को पता है वो पड़ा सामने, इसे उठाया और यहाँ पे लगा दो। अब एक और चाहिए। एक और कहाँ से लाऊं? और यहाँ पर एक और दरवाजा है। ये इसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये है अपना दरवाजा जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं इतना इजी होगा। इसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। आवाज कर दिया मैंने। अभी वो ऊपर आएगी और मेरे को फ्यूज ढूंढना है। तो आई थिंक 2 फ्यूज ऊपर मिल गए, तो अब तीसरा फ्यूज नीचे मिलना चाहिए मेरे को। अब मेरे को ये गेम समझ में आ गया। थोड़ा सा पहले हॉरिफाइंग लगा था। वो ये रही। अभी भी हॉरिफाइंग है यार। झूठ तो कैसे बोल दे। लेट्स गो। ये आ गई, शॉर्टकट मारती है ये। मेरे को जाना है नीचे। नीचे का रास्ता ये रहा। लेट्स गो। अभी यहाँ पे फ्यूज ढूंढते हैं। मेरे को लगता है तीसरा फ्यूज यहीं पे होना चाहिए इसके रूम में। ये खुलेगा क्या? खुल जा। नहीं खुलेगा। आ गई। पटक दी। I have to behave properly. मुझे जल्दी से एक और फ्यूज ढूंढना है। वो फिर से पूजा पाठ कर रही है। एक काम करता हूँ, पूजा पाठ में बिजी रहती है ना, मैं रूम चेक कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे फ्यूज है क्या? ये खुल भी नहीं रहा। पता नहीं ये पागल औरत अभी मारेगी मेरे को। इसके अंदर भी मैं छुप सकता हूँ क्या? ओके लेट्स गो। अभी एक और फ्यूज ढूंढना है। बस रुको, कहाँ ढूंढूं भाई? जगह जगह ये फिगरिन है, इसको मैं उठा सकता हूँ। ये तो मदर मैरी है ना, इनके फिगर को मैं उठा के क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर लिखा गिरा दो। ओ भाई, ओ इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें। अच्छा ओके, मैंने डिस्ट्रैक्ट गलत ही कर दिया। हेलो जीसस, लगता है मैं फंसने वाला हूँ। ये क्या है? अरे ये तो फिर से चर्च का बुक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमें 3 फ्यूज ढूंढना है, ऐसे फ्यूज बॉक्स में लगाना है, उसके बाद हमें दूसरे तरफ जाना है और फिर वहां पर हमें एक पेंटिंग ढूंढना है और वो पेंटिंग हमें बताएगी कि आगे क्या करना है। वाह, पेंटिंग कैसे बताएगी हमें? तो मेरे को फ्यूज नहीं मिल रहा है यार। मुझे पता है अब इस घर का पूरा मैप याद हो गया है। घर तो मस्त है लेकिन मुझे कहीं पर भी फ्यूज नहीं मिल रहा है। इसके अंदर मैं भी नहीं है शायद, यहाँ पे सिर्फ गेट ही गेट है। बॉटल, ओ भाई मिल गया। अरे भाई अब मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर मेन गेट था। यहीं पे आसपास में था ना, यहाँ से मैं यहाँ गया था आई थिंक। ये रहा, लेट्स गो। लगा दिया मैंने और इसको खींच दो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास, और ये रहा अपना मेन गेट। ये दबाया, काम करेगा ना? लेट्स गो। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें जाना है। और लॉट ऑफ नॉइस हो गया है, बहुत ज्यादा आवाज हो गई है, वो आ रही होगी। तो यहाँ से मेरे को बाहर निकलना है। ये रहा दरवाजा, लेट्स गो। अरे ये तो बंद है। शट 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 शट, गलत दरवाजा दिया। वो आ गई यहाँ से। ये रहा। ये तो मैं बाहर ही आ गया यार। क्या करना है मेरे को? इधर से तो रास्ता बंद है। ये रहा, एक और दरवाजा, ये भी बंद है। What? अरे भाई वो, ओ ये रही। ओ ये तो अंधी है क्या? देख ली। मेरे को आगे जाना है। ये रहा सेकंड बिल्डिंग। यहाँ पर अभी मेरे को कोई पेंटिंग वाला काम करना है। ओके, इतना धुआं है यार यहाँ पे। यहाँ पर ये देखो, मैंने सामान गिरा दिया था, वापस आ रही है। ये आई थिंक स्कूल है क्या? क्योंकि नहीं, वो स्कूल तो वो था, वो घर था शायद नन का। ये ऑडिटोरियम हो गया जहाँ पे प्ले व्ले करते हैं। ओके, ये स्कूल है। यहाँ पर अब हमें पेंटिंग ढूंढनी है। अरे इसकी आवाज आ रही है। ये रहा मेन डोर। ओके, मेरे को इस डोर से एस्केप करना है, इतना तो पता चल गया। ये यहाँ पर निशान आ रहा है। ये पेंटिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लू देने के लिए हमें बनाया हुआ रहता है। तो पेंटिंग बोल रहा ऊपर देख। ओके, यहाँ पर लिखा था सीलिंग इज ब्रोकन, पर हम अगर इसको किसी चीज से हिट करें तो ये टूट जाएगा। ओके, तो कुछ लंबी चीज चाहिए आई थिंक। वहाँ पे लंबी चीज, यहाँ पर क्या मिलेगी मेरे को? ऐसा बार बार तो मैं, ओ यहाँ पर भी कुछ है, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ। इसको निकालने के लिए भी मेरे को कुछ चाहिए। इसके अंदर में एक डब्बा, आई थिंक कुकीज का डब्बा है। उसकी आवाज आ रही है नन की मेरे को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, बॉक्स ऑफ कुकीज का हमारा पहला क्वेस्ट हो गया। हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया, हम लोग दूसरे बिल्डिंग में आ गए। अभी यहाँ पर हम लोग पेंटिंग की बात तो सुन है, लेकिन हमें वो सीलिंग तोड़ना है, तब सेकंड वाला क्वेस्ट भी टिक हो जाएगा। तो हमें कुछ लंबी चीज चाहिए। ओ ये देखो ब्रूमस्टिक, लेट्स गो। अरे यार ये तो बड़ा इजी हो रहा है मेरे लिए। पेंटिंग से ऊपर देखो, लेट्स गो। फोड़ दे धबाड़। यस। ओ क्रोबार गिरा। ये तो क्रोबार है। ओ आवाज। ओ ये तो मेरे को पता था कि इसके अंदर छुप सकते हैं। वो आ गई। मारेगी तो नहीं ना? ए यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे ये देख। भाई हथौड़ा इतना खतरनाक। अरे जाओ भाई, बहुत देर हो गया यार, कम से कम 5 मिनट हो गया है। गई। इतना चेकिंग। चलो बाहर निकलो, इसे लेता है। आवाज हो गया, इसे लेके अंदर फिर से घुस जाओ। मेरे को ब्रूम स्टिक गिराना पड़ा। तो यहाँ पे मिशन लॉग अपडेट हो गया। ओके, हम लोगों ने क्रोबार ले लिया, तो हमारा टिक हो गया है। अरे नंजी जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, मुझे यहाँ के बढ़ना है। यहाँ पर आवाज तो नहीं। राइट में जा रही है। हम लोग ऐसे लुकन छुपाई खेलते हुए जाएंगे। ओए ओके, यहाँ पर यहीं से आएगी ना वो, पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन आई थिंक ये इसका काम यहाँ पर होगा, क्योंकि क्रोबाल से हम लोग, लेट्स गो। उसकी आवाज आ रही है। शिट, उठा। कहाँ है? लेट्स गो। अभी मेरे को कुकी जार मिल गया है, लेकिन करना क्या है कुकी जार का? मैं जाऊँ कहाँ? यहाँ पे दरवाजा खुल। वापस ऑडिटोरियम में। अरे यहीं पर ही है। क्या बोल रही है ये? धीरे यहाँ से। ओए बेसमेंट में जाना है। चलो बेसमेंट में चलते हैं। वो बेसमेंट में आ गई तो मेरी फट के 35 हो जाएगी। यहाँ पर पूरा अंधेरा है। ओके, वो चिमनी, चिमनी से यहाँ पर क्या करूँ मैं, तो फंस गया। वो आ गई शायद। आवाज आ रही है, आई है क्या? नहीं आई। चलो बढ़िया है। तो फिर बेसमेंट में मतलब कुछ भी नहीं है क्या? वो पहले मैं चेक तो कर लूँ। और ये मैं फंस गया हूँ। शट, ये देखो। अभी नहीं पढ़ना मेरे को किसी भी हालत में। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ये कुकी जार का मेरे को करना क्या है, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्वेस्ट में। यहाँ से मैं ऊपर निकल गया उसको चकमा देके। लेट्स गो, अभी सेफ प्लेस पे चलते हैं और अभी चेक करते हैं कि क्वेस्ट में क्या लिखा है। कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉक है, इसको गिराना पड़ेगा किसी हाईएस्ट जगह से, तब ये खुल जाएगा। अच्छा, तो मेरे को इसको ऊपर से गिराना है। तो यहाँ ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। वही उसकी आवाज आ रही है। यहाँ ऊपर तो मैं शायद नहीं जा सकता, इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर आई थिंक इसके अंदर में इसकी चाबी होगी जिससे हम लोग निकल सकते हैं, यही लग रहा है मेरे को। लेकिन देखते हैं। ओए, इसका भी दरवाजा खुलेगा क्या? अरे मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे, पिंक की। मेरे को पिंक की तो मिली ही नहीं अभी तक। इसके अंदर मेरा सामान है लगता है, पता नहीं वे, देखना पड़ेगा। अभी तो मेरे को कोई हाईएस्ट जगह ढूंढनी है तो जहाँ से मैं इसको गिरा सकूं। तो यहाँ पर मेरे को करना क्या है? ये दरवाजा खुला तो मैं बाहर आ गया। ओके, फिर से बाहर जाना है क्या? लेट्स गो। यहाँ से ओके, यहाँ पे ऊपर जाने का जगह तो नहीं लग रहा। यहाँ पे वो सीढ़ी है यहाँ पे, यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। ओके, और ये ऊपर में क्या पंछी उड़ रही है यार। ओहो, यहाँ से गिरा सकते हैं ना। अभी वो आने वाली है, मेरे को पता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे मैं आगे भी जा सकता हूँ यार। अभी यहीं से गिरा दूं क्या, क्योंकि मैं कूद तो सकता नहीं हूँ इस गेम में। तो चलो यहीं से गिराते हैं। यहाँ पे एक और सीढ़ी है और वहाँ पे एक दरवाजा भी है। भाई, मतलब जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाना है ना। तो यहाँ पर इसका भी दरवाजा का चाबी नहीं है हमारे पास। यहाँ से भी हम लोग आगे जा सकते हैं। भाई कितना आगे जाना है? ये चिमनी, ओ ये वही चिमनी है जो बेसमेंट में थी। अच्छा, तो ये कनेक्ट हो रही है क्या? लेट्स गो। भाई, क्या दिमाग लगाया है यार, एकदम सही किया मैंने। अभी मेरे को नीचे उतरना है और बेसमेंट में जाना है। अरे भाई नीचे उतर भाई, अभी नन आ जाएगी। उसने बोला आवाज मत करो। यहाँ पर तो नहीं है ना नन। वहाँ पर रेड लाइट जल रही है। यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतर। तो शिट, मैं गिर गया। भाई डे 4 आ गया है। आई थिंक 5 days का गेम होता ना। लेकिन अब बस बेसमेंट में जाना है और उसके अंदर आई थिंक चाबी ही होगी जो मेरे को निकालना है। अभी वो पूजा पाठ कर रही है, तब तक फटाफट भागते हैं यहाँ पर। अब मेरे को बेसमेंट का रास्ता ढूंढना है। एक भी रास्ता मिलता तो नहीं है ढंग से। यहाँ पर कितनी चीजें हैं यार। लेकिन ये पेंटिंग रूम तो मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर ये भी लॉक है। भाई कितनी चीजें, तो इतनी आसानी से तो आई थिंक कंप्लीट नहीं होगा अभी। भाई अब बेसमेंट का रास्ता ढूंढना मेरे लिए झमेला हो गया। मेरे हाथ में क्रोबार भी है, तो क्रोबार से इसको तोड़ के निकल लेना यहाँ से यार। यहाँ पे बाथरूम भी है। अरे भाई, छी, शिव, क्या है भाई। यहाँ पर देखो कीपैड भी है जो अरे यार, ओ ये रहा। नहीं, वही था क्या? नहीं था, पता नहीं मेरे को। तो बाहर ही जाया जा रहा हूँ। शर्ट में फंस गया हूँ गाइस। हरिओम होने वाला है मेरा। नहीं, बच गया शायद। ओह, अरे कैसे बच गया? कुछ जगह मिल गई, इसमें छुप गया मैं। लेट्स गो। You forgot something. Come here for a minute. Oh my God. यहीं पे। प्लीज आगे मत आना। प्लीज। कहीं क्या? कई। लेट्स गो भाई, बेसमेंट मिल जाओ प्लीज। नियर बाय। ओ मिल गया। यही था रास्ता जो उस वक्त मैंने देखा था ना। चलो। अभी मैं क्रोबार गिराऊंगा तो फिर से आवाज होगा। मेरे को ये चीज लेनी नहीं। शिट। Eagle Junior High School with good girls and boys. अबे यार, इसको AI कंट्रोल कर रहा है क्या? शिट, मैंने सोचा ही नहीं था। शिट। अबे यार अब बेसमेंट का रास्ता फिर ढूंढना पड़ेगा मेरे को। भाई बेसमेंट का रास्ता बस इतना याद है कि राइट में था कहीं पे। कहाँ था ये पूरा घर भूल भुलैया है यार। अरे मिल गया फाइनली इतना देर के बाद। और अभी वो बैफल में कर रही है वहाँ पे। तो हम लोग नीचे चलते हैं। ये रहा मेरा क्रोबार। और भाई चिमनी कहाँ है? ये रहा, लेट्स गो। और चाबी ही मिल गई, लेट्स गो। इस बार तो गलती नहीं करेंगे भाई, वो ऊपर में ही ना हो। ए भाई ओ यहाँ पे मत मिलना। Day 5 है मेरा, पहले ही बोल दिया तेरे को। अब मेरे को वो दरवाजा मेरे पीछे ही थी, देख ली उसने मेरे को। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये इसका चाबी तो नहीं है ना? नहीं, आयुष मोर का दरवाजा का चाबी। इतना बचड़ा रहा, मिल गया। ये क्या? लेट्स गो। और हिडन अलार्म। ओ वो आ रही है नन। भागो। लेट्स गो। और यहाँ पर भाग। ओ भाई लेट्स गो। मे द गॉड हैव मर्सी। भाई तू मर्सी दे मेरे को। और फाइनली हम लोग एस्केप कर गए। और यहाँ पर एक और कट सीन आया है कि यहाँ पर स्कूल में और भी एक्टिविटी हुई है। अच्छा, ये नन ऊपर से देख रही है। इसके और भी चैप्टर है क्या यहाँ से? चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं, पता चल जाएगा। और ये तो हम लोग तो भाग के गए थे। यहाँ पर ये लोग कपड़े वपड़े रख रहे हैं क्या स्कूल में? अच्छा, इसका मतलब और भी बच्चे हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है क्या? क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ अकेले थे, इतनी देर में हम लोगों ने यही देखा। और ये इविल नन के चर्च से तो हम लोगों ने एस्केप कर लिया। भाई बहुत मजा आया, एक ही बार में किया तो काफी ज्यादा मजा आया। और लास्ट वीडियो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके देखो। इसके और भी चैप्टर है तो मैं देखता हूँ, उससे भी हम लोग खेलेंगे। तब तक तुम लोग ये वाली वीडियोस एंजॉय करो। अब नेक्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो आएगी, तो चलो हम लोग मिलते हैं एंड वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।